वेलकम बैक साथियों, योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प पे बात करने वाले हैं एसएससी भर्ती 2022 के बारे में। तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी की गई है एसएससी भर्ती 2022 के लिए। तो ये नोटिस आपके लिए है पीएटी और पीएचडी के लिए। तो जिनका पीएटी पीएचडी बच गया था उनके लिए ये नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और आपके पीएटी पीएचडी कब से स्टार्ट है, ये सभी चीज़ें बताई गई, आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको एसएससी जीडी जुड़ी कोई भी अपडेट हो तुरंत ही आप तक पहुँच जाए। तो इस नोटिस को कल जारी किया गया था शाम को। तो ये नोटिस उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनका पीएटी पीएचडी नहीं हो पाया था। तो नोटिस को हम लोग देखते हैं, नोटिस में क्या क्या चीज़ बताई गई हैं और किन 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 चीज़ों को सावधानीपूर्वक आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो साथियों, ये है नोटिस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नोडल पुलिस फोर्स है सिटी जीडी 2022। तो सबसे पहले नोटिस का मतलब मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे है द पीएचडी पीटी इवेंट ऑफ द सिटी जीडी एग्ज़ाम 2022 इन सीएपीएफ एसएसएफ एंड मतलब कि जो राइफलमैन होता है सब राइफलमैन रिमेनिंग 1701 पोस्ट जो रह गई थी उनके लिए साथु ये कैंडिडेट इस शेड्यूल 1/12 मतलब कि 1/11 मतलब कि आज है 1 तारीख, आज से आपके जो है 1/11/2023 आनवर्ड द यहाँ पे लिखा है द एडमिट कार्ड फॉर पीएचडी पीटी स्टेट कैन डाउनलोड द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द इस वेबसाइट। ये जो मैं वेबसाइट को यहाँ पे घेरा कर रहा हूँ, तो इस वेबसाइट से आप लोग जाके एडमिट कार्ड आप लोग मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं। जो 1701 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पीटी पीएचडी के लिए जो बच गए थे उनके लिए साथ ये है नोटिस। तो अभी आपको बताऊंगा कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, बस पूरी नोटिस को पहले आप लोग मतलब समझ लो। विद इफेक्ट फ्रॉम 16/10/2023 ऑल कैंडिडेट आर आल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ द पीटी पीएचडी। मतलब यहाँ बताया गया जो टाइम उस आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है पीटी पीएचडी का, उससे पहले ही आपको थोड़ा से पहुंचना है। तो आपको कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड फॉर अ पीटी पीएचडी विदाउट एडमिट कार्ड। तो आपको विदाउट एडमिट कार्ड मतलब कि परमिशन नहीं दिया जाएगा कि आप लोग अपना पीटी पीएचडी जाके करवा लो, ठीक है। तो एक अपना ओरिजिनल आधार मतलब कि लेके जाना है और तो एक प्रिंट आउट लेके जाना है अपने पीटी पीएचडी के एडमिट कार्ड का। तो अब हम चलते हैं सीआरपीएफ की वेबसाइट पर। तो वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अवेलेबल ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट। तो सीआरपीएफ की वेबसाइट में आपको चल ले, तो ये है सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वेबसाइट का लिंक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जो जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और तो ह्यूमन वेरीफिकेशन जो है आपको इस कैप्चा को जोड़ के भर देना है, या तो आपके पास रोल नंबर होगा तो रोल नंबर डाल के यहाँ पे ये चीज़ें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके भर देना। और तो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये भर के अपना एडमिट कार्ड जो है पीटी पीएचडी का वो सर्च कर लेना, और सर्च करने के बाद आपका पीटी पीएचडी का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो इस वेबसाइट पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पर इस वेबसाइट का लिंक है, तो वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो प्यारा चाहो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।